हे फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ज्यूइश हॉलोकॉस्ट का भयंकर और सिरहन पैदा करने वाला हिस्ट्री देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी बच्ची एन फ्रैंक के बारे में, जिन्हें हॉलोकॉस्ट में अपना बचपन, परिवार और जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में हुआ था। वो एक यहूदी थी। उनके माता का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक और पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था, जो एक समृद्ध बिजनेसमैन थे। 1934 में जब वो 4.5 साल की थी, एडॉल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के जर्मनी पर कंट्रोल पाने के बाद उनका फैमिली एम्स्टरडैम चला गया। लेकिन नाजियों ने नीदरलैंड्स पर भी हमला करके वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी यहूदी वहां फंस चुके थे और नाजी यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज रहे थे। इसी दौरान फ्रैंक फैमिली ने एक बिल्डिंग में छिपने का डिसीजन लिया और वो सभी एक अपार्टमेंट में छिप गए। वो अपार्टमेंट उसी कंपनी का वेयरहाउस था जिसमें एन के पिता काम करते थे। एन ने इस अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स का नाम दिया था। सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ एक और फैमिली भी छिपा हुआ था। सीक्रेट एनेक्स में छिपने से ठीक 24 दिन पहले ही एन 13 साल की हुई थी। एन के जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट में एक रेड कलर की डायरी दी थी। फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में 2 साल 35 दिनों तक छिपी थी। इसी दौरान एन ने अपनी डायरी भी लिखी थी। जब वो मुश्किल में फंसी थी और अकेली थी तो एन ने डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया। एन फ्रैंक अपनी डायरी को किट्टी बुलाती थी। उनकी डायरी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को पढ़कर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये डायरी किसी 13 साल की लड़की ने लिखी है। डायरी में उन्होंने अपने थॉट्स और इमोशंस को बहुत मच्योर तरीके से लिखा था। चलो देखते हैं उन्होंने डायरी में क्या लिखा था। डायरी में एन के अपनी माँ और बहन के साथ होने वाली नोकझोंक के किस्से हैं। साथ ही वहाँ सैनिकों के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान गोली और तोपों की आवाज से डर की घटनाएं भी इसमें लिखी गई है। एन एक राइटर बनना चाहती थी। तभी 28 मार्च 1944 को डच एजुकेशन मिनिस्टर ने एक रेडियो प्रोग्राम में घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध के बाद लेटर और डायरी जैसी चीजें इस तबाही भरे मंजर की गवाही के तौर पर यूज की जाएंगी। फिर क्या था, एन चाहती थी कि उनकी डायरी पब्लिश हो, तो उन्होंने रीराइट किया और एडिट किया। एन ने डायरी में ये भी बताया कि कैसे वो सनलाइट देखने और आसमान के नीचे खड़े रहने के लिए भी तरस जाती थी, कैसे उनके कपड़े छोटे हो रहे थे और वो नए कपड़े भी नहीं खरीद पा रही थी। एन ने डायरी में लिखा था, मैं बेकार में नहीं जीना चाहती जैसे ज्यादातर लोग जीते हैं। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आस पास रहते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। उनके काम आना चाहती हूँ और उनके जीवन में खुशी लाना चाहती हूँ। मैं और जीना चाहती हूँ अपनी मौत के बाद भी। छिपने के दौरान कुछ जर्मन लोगों ने ही इनकी हेल्प की थी। ये लोग इन्हें राशन और जरूरत का बाकी सामान लाकर देते थे। हेल्प करने वाले ये सभी ऑटो फ्रैंक की कंपनी में काम करते थे। एन की डायरी की पहली एंट्री 12 जून 1942 की है और आखिरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की, क्योंकि 4 अगस्त को ये सभी लोग गिरफ्तार कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए गए थे। ये लोग इतने बदकिस्मत थे कि इन्हें जिस ट्रेन से कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया वो ऐसी आखिरी ट्रेन थी। बाद में 6 जनवरी 1944 को एन की माता एडिथ फ्रैंक की भूख के कारण मौत हो गई। कितनी बदकिस्मती थी कि 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फरवरी मार्च 1945 में टाइफस बीमारी के कारण एन और उनकी बहन मार्गो की मौत हो जाती है। एन के पिता ऑटो फ्रैंक जिंदा रहने वाले एक लौते मेंबर थे। उन्हें 27 जनवरी 1945 को सोवियत यूनियन के सैनिकों द्वारा ऑशविट्स से मुक्त किया गया था। ऑटो ने सभी लोगों को काफी ढूंढने की भी कोशिश की थी। उन्होंने एन के डायरी को बाद में पब्लिश कराया। ऐसा माना जाता है कि ये डायरी बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दूसरी बुक है। इसे 70 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। एन जिस अपार्टमेंट सीक्रेट एनेक्स में छिपी हुई थी वो आज म्यूजियम बन गया है। एन ने डायरी में लिखा था, आई डोंट थिंक ऑफ ऑल द मिजरीज बट ऑफ ऑल द ब्यूटी दैट स्टिल रिमेन्स। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।